नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। चीन की धमकी पर ट्रंप का जवाब, कहा हम अमेरिका में चीन के अन्य कॉन्सुलेट भी बंद कर सकते हैं। अमेरिका अब चीन के कुछ और डिप्लोमेटिक मिशन यानी दूतावास बंद करने जैसा सख्त कदम उठा सकता है। मणिपुर में हर घर में पहुंचेगा शुद्ध पानी, पीएम मोदी ने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा केंद्र ने मणिपुर को 142,749 घरों के साथ 1,185 बस्तियों के लिए घरेलू नल कनेक्शन के लिए दिया बजट। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास फंड भी शामिल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की वीडियो सीरीज सत्य का सफर, राहुल गांधी सीरीज के जरिए बता रहे देश की चुनौतियां। पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। असम में बाढ़ की चपेट में आए 26 जिले, 26 लाख से अधिक लोग हुए प्रभावित। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 115 लोगों की गई जान। विधानसभा अध्यक्ष की एसएलपी पर अब सोमवार को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से किया इनकार, कहा विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। प्रदेश में सियासी संग्राम को लेकर कांग्रेस का 10वां दिन, होटल फेयरमाउंट में कैंप जारी। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन सहित विधायकों का होटल में कैंप जारी। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष परशुराम मदेना की जयंती, पीसीसी कार्यालय में पुष्पांजलि सभा का हुआ आयोजन। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। प्रदेश में सियासी घमासान के बीच जल्द विधानसभा सत्र बुलाए जाने की चर्चा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा राज्यपाल से मुलाकात कर सीएम बुला सकते हैं विधानसभा सत्र। विश्व भर में कोरोना का कहर, दुनिया में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हुए कोरोना संक्रमित, वहीं 6,22,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित तोड़ चुके हैं दम। कोरोना के कोहराम के बीच कई देशों में कोरोना की वैक्सीन बनाने की आ रही खबरें। ऑक्सफोर्ड में वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में मिल रहे बेहतर रिजल्ट, ट्रायल सफल रहने पर भारत में भी इस वैक्सीन का किया जाएगा प्रोडक्शन। भारत देश में भी तेजी से फैल रहा कोरोना, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 12 लाख के पार, तो अब तक 29,000 से ज्यादा तोड़ चुके हैं दम। अमिताभ बच्चन ने कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने की खबर को किया खारिज, कहा यह गलत, गैर जिम्मेदार, फर्जी और गंभीर झूठ। अमिताभ के ट्वीट के बाद नेगेटिव रिपोर्ट की खबरों पर लगा विराम। राजस्थान में भी तेज गति से फैल रहा कोरोना संक्रमण, सुबह की रिपोर्ट में प्रदेश में मिले 339 नए पॉजिटिव, कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 32,673, फिलहाल प्रदेश में 8,587 एक्टिव केस। बारां जिले में कोरोना के 10 नए मामले आए सामने, बारां जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 90, वहीं अब तक 5 कोरोना संक्रमितों की गई जान। झुंझुनू के चिदावा कोर्ट में कोरोना ने दस्तक, 2 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव, कोर्ट परिसर को किया गया सैनिटाइज। बूंदी में कोरोना का बढ़ता कहर, बूंदी में मिले एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव, मेडिकल टीम ने इलाके को कराया सैनिटाइज। बारा के कस्बा थाना कस्बे में चिकित्सा विभाग की लापरवाही, मरीज की 4थी रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, 3री रिपोर्ट आई थी नेगेटिव, कोटा किया गया रेफर। चांदी के भाव पहुंचे 61,700 रुपए प्रति किलो, 3 दिन में 8,000 रुपए प्रति किलो की लगाई छलांग, तो वहीं 3 दिन में सोने के भाव में 1,300 रुपए का उछाल। देवली में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन सतर्क, एसडीएम भारत भूषण ने मुख्य बाजार बंद करने के दिए निर्देश, आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे बाजार। प्रदेश में 4 माह बाद फिर दौड़ी सिटी बसें, लो फ्लोर बसों का संचालन फिर हुआ शुरू, चालक परिचालक और यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य, तो थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिलेगी एंट्री। जोधपुर के फलौदी में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई, बीडीओ जसवंत सिंह 1,300 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मनरेगा कार्य में जॉब कार्ड बनाने की एवज में मांगी थी घूस। खाजवाला में एसीबी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, 3,500 रुपए के साथ वीडियो मारक चंद को किया ट्रैप, पीएम आवास योजना की राशि का भुगतान करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, पटवारी रामावतार को 10,000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप, परिवादी से वसियत नामे की एवज में मांगी थी 15,000 की रिश्वत। कोटा के मुकंदा अभ्यारण्य में टाइगर M3 की मौत, एसडीएम बीएसपी सहित वन्य अधिकारियों ने लिया जायजा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा मौत के कारणों का खुलासा। बीकानेर जिले के कोलायत में परिवार के मुखिया ने की पुत्र पुत्री और पत्नी की हत्या, पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद खुद ने लगाया फांसी का फंदा, एक साथ 4 लोगों की मौत से गांव में पसरा सन्नाटा।
अजमेर में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम शर्मा की बदमाशों ने की हत्या, पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन, पुलिस ने की बदमाशों की तलाश तेज। दांता कस्बे में SBI बैंक में ग्राहक के साथ मारपीट का मामला, पीड़ित युवक ने थाने में बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कराया मामला दर्ज, ग्रामीणों ने दिया धरना, कर्मचारी को बर्खास्त करने की मांग, तो कर्मचारी ने भी दर्ज कराया मामला। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में पुलिसकर्मी पर हमला करने का मामला, दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, पत्थर से हमला कर किया था घायल। जोधपुर के भोपालगढ़ में प्रशासन ने की गंदे पानी की निकासी, 3 पाइपलाइन लगाकर की निकासी, व्यापारियों को मिली बड़ी राहत। भरतपुर के डीग में महिला ने चिकित्सक पर लगाया अभद्रता करने का आरोप, पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर पीड़िता ने कोर्ट में पेश किया इस्तगासा। पिडावा के विकास अधिकारी ब्रजेश पारासन ने सुनेल पंचायत क्षेत्र का किया दौरा, PM आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन योजना का किया निरीक्षण, साथ ही लाभार्थियों से भी हुए रूबरू। जैसलमेर के फलसुंड में बीच सड़क पर खड़े ठेले से राहगीर और वाहन चालक परेशान, पुलिस प्रशासन को भी कराया अवगत, नहीं हुई कोई कार्रवाई। अलवर के बानसूर में पर्यावरण जनचेतना अभियान का शुभारंभ, मोराली गांव में डिजिटल दोस्त अभियान के तहत लगाए गए 51 पौधे। जैसलमेर के विंडमिल कंपनियों की उदासीनता से गिर रहे संयंत्र, 2 साल में गिरे कई पंखे, टावर भी हुए क्षतिग्रस्त, कंपनी अधिकारियों से बात कर रिव्यू करवाया जाएगा। जैसलमेर के नासा में करंट लगने से टैंकर चालक की मौत, मौके पर ही तोड़ा दम, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। डूंगरपुर में मनाई गई शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती, भाजपा नगर मंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन, चंद्रशेखर आजाद सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भरतपुर के बयाना में व्यापार संघ ने SDM को सौंपा ज्ञापन, 2 दिन बाजार बंद होने के कारण सब्जी फल मिठाई की दुकान वालों को नुकसान से बचाने के लिए बाजार खुलवाने की मांग, तो SDM ने दिया बाजार खोलने का आश्वासन। सिरोही के शिवगंज में पाछेड़ी प्रकरण को लेकर देवासी समाज ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की है मांग। भरतपुर के जनाना हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत, परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला कराया शांत। झुंझुनू में SFI के विरोध प्रदर्शन पर प्रशासन की टेढ़ी नजर, कलेक्टर UD खान ने कहा मामले की करवाएंगे जांच, 3 दिन पहले कलेक्ट्रेट पर किया गया था SFI द्वारा प्रदर्शन। UP के बहराइच में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1,85,00,000 की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, जगह जगह की जा रही छापेमारी। UP के आजमगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से हुआ घायल, जिला हॉस्पिटल किया गया रेफर। UP के संभल में आंधी तूफान का कहर, तेज तूफान में बाइक के ऊपर गिरा पेड़, 3 लोगों की हुई मौत, 1 की हालत गंभीर। UP के संभल कस्बे के जाफरपुर गांव में 2 पक्षों में फायरिंग, गोली लगने से 1 युवक की हुई मौत, पुलिस ने मामला का किया खुलासा, हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। सामर में किसान ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, CM के नाम विकास अधिकारी को, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, जल्द मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की भी चेतावनी। झुंझुनू में नवनियुक्त ADM शैलेश खेरवा ने किया पदभार ग्रहण, कहा कोरोना संक्रमण को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता, बतौर SDM शैलेश खेरवा की पहली पोस्टिंग। झालावाड़ के पिडावा की छात्रा सुरैया खानम ने माता पिता और गांव का नाम किया रोशन, 12वीं कक्षा कला वर्ग में 98.8% अंक ये प्राप्त, उपखंड अधिकारी ने बालिका के घर पहुंचकर किया सम्मान। मेरा झुंझुनू मेरा अभिमान बनेगा शहर की आवाज, संयोजक मुरारी सैनी ने की कहा अब शहर की हर समस्या का होगा समाधान। जैसलमेर के फलसुंड में पाछेड़ी प्रकरण को लेकर राय का युवा शक्ति संगठन ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। टोंक के निवाई में पूर्व डिप्टी CM बनवारी लाल बैरवा की पुण्यतिथि मनाई, प्रार्थना सभा में 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि, प्रधान चंद्रकला महावीर प्रसाद सहित कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद।
राजा मानसिंह हत्याकांड में फैसला आने के बाद परिजनों ने दी श्रद्धांजलि। मानसिंह सर्किल पर उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। परिवार के सदस्यों ने न्यायालय के फैसले पर जताई खुशी। भरतपुर के कामा में एडीएम ने किया नवीन उपखंड अधिकारी कार्यालय के लिए भूमि पूजन। राज्य सरकार से बजट आवंटित होने के बाद रखी गई नींव। 50 लाख की लागत से बनेगा भवन। डूंगरपुर के भादर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के तहत समीक्षा बैठक। जिला परिषद सीईओ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। सीईओ ने अधिकारियों को अक्टूबर माह तक समस्त कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। सीकर के दादारामगढ़ में जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से एसडीएम कार्यालय के सामने जताया विरोध। विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों का प्रदर्शन। भाजपा और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ किनारेबाजी। उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सीकर जिले में कोरोना के बढ़ते जा रहे मामले। बजाज फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी भी आए चपेट में। चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप। धौलपुर में युवक ने की आत्महत्या। कोतवाली थाना इलाके का मामला। गृह क्लेश बताया जा रहा कारण। देवली में पुलिस व व्यापारियों में हुआ टकराव। व्यापारी ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। व्यापारियों में घटना को लेकर रोष व्याप्त। सुमेरपुर के तखतगढ़ में रोडवेज बस हुई अनियंत्रित। मोटरसाइकिल को लिया चपेट में। कोई बड़ी जनहानि नहीं। चालक कंडक्टर घायल। भीलवाड़ा के जहाजपुर में ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। घायल महिला का इलाज जारी। आए दिन हो रहे हैं हादसे। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में पशु चिकित्सक की लापरवाही। सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। अनिश्चितकालीन धरना देने की दी चेतावनी। डूंगरपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान। पुलिस को मिली सफलता। एक तस्कर को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर के आसपुर में महिला की मौत का मामला। पुलिस ने मामले में अभी तक नहीं किया खुलासा। समाज के लोगों में आक्रोश। जालौर के रानीवाड़ा में पांथेड़ी प्रकरण का मामला। भगवा क्रांति संगठन ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग। जैसलमेर के नोखा में टिड्डी दलों का हमला। फसलों को किया चट। किसान जुटे टिड्डियों को भगाने में। सरकार से मदद की गुहार। राजधानी जयपुर के बस्ती में मनाई गई हरियाली तीज। महिलाओं ने लहरिया की साड़ी पहनकर की तीज माता की पूजा। झूलों को लेकर दिखा बच्चों में खासा उत्साह। राजधानी के सांभर में कोरोना के चलते तीज का त्यौहार रहा फीका। पालिका अध्यक्ष ने तीज की बधाई के साथ की कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील। बूंदी में आरआर के महिला फाउंडेशन की महिलाओं ने मनाया तीज का उत्सव। तीज माता की पूजा अर्चना। घेवर का लगाया भोग। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। एवं तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी।